हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास ये आइटल का सेट है और इसमें इमरजेंसी कॉल ऑनली लगा हुआ है और ऊपर नेटवर्क दिखा रहा है, पर यहाँ पर इमरजेंसी कॉल बता रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो ही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग में चले जाना है। कोई भी कीपैड फ़ोन हो, अगर उसमें इमरजेंसी कॉल लगा हुआ है आ रहा है, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, जो मैं सॉरी आपको बता रहा हूँ वो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दो ही तरीके से ये इमरजेंसी का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है, फिर देखता हूँ अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन ढूंढना है कि यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा नेटवर्क सेटिंग है, तो हम नीचे वाले पर ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर ये सर्चिंग करना शुरू कर देगा, जैसा कि ये कर रहा है। नेटवर्क कनेक्टेड ये आ रहा है लिख के, चलिए देख लेते हैं ये सर्च करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन लिख के आ चुका है, तो हमारा सिम जो है वोडाफोन लगा हम, ये वोडाफोन पे सेलेक्ट करेंगे। अब नेटवर्क रजिस्टर्ड बताया, रजिस्ट्रेशन बता रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर यहाँ से ये देखिए सेलेक्टेड हो चुका है, अगर यहाँ से हमारा सही हो जा रहा तो ठीक है, और ना इस पर हार्डवेयर काम करना होगा। और हार्डवेयर किस तरीके से किया जाएगा मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लें, आपका प्रॉब्लम वहाँ से 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।